प्यारे बच्चों में पहली बार एसएससी एंड रेलवेज के लिए धांसू मैथ स्पेशल लेके आ रहा हूँ, जो होगा पेड लाइव बैच। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, 200 घंटे की लाइव क्लास और 5000 प्लस क्वेश्चंस। क्या होगा सिलेक्शन का प्लान, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ डाउट क्लासेस, जिसमें आपको प्रोवाइड होंगी ई बुक्स और पीडीएफ। आज ही ज्वाइन करिए मेरा मैथ स्पेशल बैच, यूज करें मेरा प्रोमो कोड Y167 और पाए भारी डिस्काउंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इंडिया पॉकेट। सो आज का जो सेशन है वो है आपके रीजनिंग के महायुद्ध की तैयारी, आपके रीजनिंग के हर एक टॉपिक की। तो उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, सेशन को शेयर करना और सब्सक्राइब करना है आपको अपना चैनल अड्डा 247। तो ये जो बच्चा रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में, वो आपके लिए होंगे SSC, NTPC और जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस पूरी क्लास में। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। हर एक 3 क्वेश्चन के बाद आपके सामने होगा एक चैलेंज भरा क्वेश्चन। तो देखेंगे आज की क्लास में वो कौन सा बच्चा होगा जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके क्वेश्चन के आंसर देगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको शेयर जरूर करना है सेशन को। अब सारे के सारे बच्चे हैं, अब वो बातें करना बंद कर दीजिए और क्लास में अपनी प्रेजेंट को जाहिर कीजिए कि आप क्लास में आ चुके हो। और शेयर बिल्कुल करना है। अमन, स्वागता, नीरज, विक्रम, पल्लव इंडिया से, सुषमा, संतोषी, नेहा, पल्लव, तनु। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बिल्कुल भी बच्चा रुकना नहीं है। आपको क्वेश्चन के आंसर फटाफट से देने हैं और टाइमर हम आपके लगा देंगे। टाइमर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग की बत्ती को क्या करे, जला दे। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिमाग दिख रहा है ना, तो उसी प्रकार से आपके जो दिमाग की बत्ती है बच्चा, उसे भी जला दिया जाए। तो सेशन को कीजिए बच्चा शेयर। साक्षी, पल्लव, पंकज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और बहुत टाइम बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई है, एक दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया कि हमने आपकी क्लास नहीं ली है। तो हमें भी बहुत अजीब लग रहा था कि कितनी टाइम हो गया, ऐसा लग रहा था कितना ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए, आप लोगों से बातें किए हुए। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट कर, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो टेक्निकल टीम, फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए और टाइमर भी दिखा दिया जाए। टाइमर के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नागेन, मृदुल, अनिल, संभात, इशाद खान, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चा रुकना नहीं है आज के सेशन में। आज का सेशन 2 घंटे लगातार है, 2 घंटे बने रहना है और आंसर फटाफट आने चाहिए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आंसर आपके मेरे दिमाग में होंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में हम आपके आंसर पढ़ेंगे। यादव, मीना, आदर्श, व्हाट इज योर नेम? बच्चा मेरा जो नाम है वो है हमारा सोनल अग्रवाल। अग्रवाल स्वीट हाउस सुना है आपने? अग्रवाल स्वीट, वो मेरा नहीं है लेकिन, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो लेटर्स गिनिए। लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है। यदि 11 लेटर है तो इसे डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में। तो डिवाइड कर देंगे कितने? 5 लेटर इधर आ गए, 5 लेटर इधर आ गए, बीच वाला लेटर नो चेंज, ठीक है। तो सेम CRU एंड कितना है? 7 लेटर है। 7 लेटर को डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, COR एंड UPT एंड बीच वाला लेटर बिल्कुल बीच। अब क्या करो, रिवर्स लिख दो। कैसे भाई? NOMED ETART। तो सेम मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? करप्ट का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा करप्ट का? करप्ट का हो जाएगा बच्चा ROCRTPU। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरा C ऑप्शन। सुरभि, ममता, शोशी, स्वागता, स्नेहा, कुशवा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और टाइमर आपके स्क्रीन पर है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसी के बाद आपको मिलेगा एक चैलेंज भरा क्वेश्चन। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो आपके स्क्रीन पर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बच्चा कहना छोड़ दो, मेरी आदत मत पालो, ठीक है। दीदा लगा लो पेपर में, पेपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चा, देखिए सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं। कैसे? 85 का रिवर्स कर दिया 58, 64 का रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा? 46। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? C ऑप्शन। कैलाश, मीना, बिल्कुल राइट आंसर आएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बच्चा स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास है, बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चा बच्चों की डिमांड पे, ये क्वेश्चन मैंने आपके आगे रखा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ले लो 14, 68, 86 और 90। काजल तिवारी, जी के शर्मा, अब बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा। यादरा मीना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चैलेंज देते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर का, तो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए। नागेंद्र, अनु, सौरभ, हासिम, सुनील, सरोज वर्मा, पल्लव इंडिया, बताइए। विकास, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंग्लिश की मैम कहाँ है बच्चे, इंग्लिश की मैम आपको दिख जाएंगी कल की क्लास में, आपको इंग्लिश की मैम दिख जाएंगी। अनु, थोड़ा सा तमीज, मैनर्स मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैनर्स आपको अपने घर से सीख के आने और यहाँ पे आपको सिर्फ ज्ञान लेना है, पढ़ाई करनी है और अपनी गवर्नमेंट जॉब पे निकालनी है, ठीक है, क्लियर है। तो बताइए बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे भाई। 36 + 9 कितना आ गया, 45। 9 + 8 कितना गया बच्चा, 98 + 7 कितना गया, 105। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, जहाँ हैश लग रहा है वहाँ पे हम क्या करें, 3 और 6 ले लिया। 9 #8 है तो वहाँ पे हमने क्या ले लिया, 98 ले लिया। तो यहाँ पे हैश लग रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, 63। तो 63 में बच्चा यदि मैं 5 को ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 68। तो इस आसान क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, 68, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। जीके शर्मा और काजल तिवारी, बस इस क्वेश्चन में इतना सा ही करना था और आपको आंसर मिल जाता। सरोज वर्मा, पल्लव इंडिया, स्नेहा कुशवा, विक्रम, अनिल, रजत खम्बोज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ करते रहो, 90 नहीं आएगा, नहीं। अनाध्या, आराध्या मौर्य, इंजीनियर राजा पटेल, 90 नहीं आएगा, उसका आंसर बहुत आसान था, 68। देखिए बार क्या होता है, डॉग क्या करता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो स्पैरो क्या करती है, गोरैया क्या करती है बच्चा, गोरैया करती है, चिर्प की आवाज निकालती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा, रुचि, बंटी, समीर, निशी, राजेश, औश्री, आराध्या, विकास, पल्लव इंडिया, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, चिर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए अमन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन के लिए दिया जाता है आपको चैलेंज। तो चैलेंज देके बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी, ब्लो योर माइंड की क्लास देखी होगी, तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, आज की क्लास में कोई बेतुके तरीके से बात नहीं करेगा, यहाँ पे मैं आपको मैनर्स नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन सिखाऊंगी, नहीं तो मैं आज की क्लास के कोई भी कमेंट नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। यदि आपको बच्चा किसी पे कमेंट्री पास करनी है तो मेरी क्लास में मत आया करो, बहुत ज़्यादा दुनिया में सोशल इश्यूज़ हैं, उन पर कमेंट्री किया करो, कमेंट उन पर जाके कीजिए, यहाँ पर आइए, पढ़िए और अपने कमेंट में आंसर दीजिए। आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, वो कैसे करोगे, पेपर निकाल के गवर्नमेंट जॉब को हाथ में लेके। जब आप उनके पास जाओगे और उनके चरण स्पर्श करोगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हाँ भी मेरे बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब निकाली है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, डजेंट मैटर, वो हर एक इंसान ने, हर एक माँ बाप ने उसे इतना बड़ा करा है ना, तो उसके पीछे उनकी मेहनत है, तो आपको भी अपनी मेहनत शो करनी है। कैसे करोगे मिश्रा, पढ़ाई करके और गवर्नमेंट जॉब निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगी, लेकिन अपने कायदे में, अपने तमीज में रह के आंसर देना, ठीक है। रवि सोनी, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, 6 की पावर 1, 61 को क्या ले लिया, 6 की पावर 1, तो कितना आएगा, 6। यदि मैं 6 को इंटू कर दूं 6 से तो कितना आ गया, 36 आया या नहीं आया, आगे आंसर। 2 की पावर 5, 25 को क्या लिख लिया मैंने, 2 की पावर 5 कितना गया, 32। 32 को यदि मैं बच्चा इंटू करूँ 6 से तो कितना आएगा, 192। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, 192, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा, बी ऑप्शन। मनीष, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा 192। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अर्चना यादव, दीपक, मनमोज, देखो जो भी मेरी बात से एग्री करता है कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। यदि किसी को यहाँ पे कमेंट्री ही करने आया है, वो यहाँ पे पढ़ने नहीं आया है, तो बच्चा ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है। आप और किसी के चैनल पे या आप किसी सोशल हाउस पे जाके कमेंट्री कर सकते हैं। अरे हमारे देश में ये हो रहा है, कमेंट्री करने वाले बहुत, हमें कमेंट्री नहीं करनी, हमें पढ़ना है, हमें इतना काबिल बनना है कि सामने वाला इंसान हमारी बात को सुने। तो वो काबिल कैसे बनोगे? पढ़ के बनोगे। यदि पढ़ाई करोगे तो जब ही काबिल बन पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड मेंटल। देखिए बच्चा बाकी की साइड क्या है, ये तीनों की तीनों अर्थ के क्या है, स्फीयर है, मंडल है कोई ना कोई, जबकि मेंटल क्या है हमारा पार्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चा? मिडल पार्ट है। किसका? अर्थ का क्या है बच्चा, मिडल पार्ट है हमारा मेंटल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको बताना है इनमें से अलग क्या होगा, तो इनमें से अलग बताइए इनमें से क्या अलग होगा। और कोई कहेगा हिंदी तो मैं बता दूं, VT को VT ही लिखा जाएगा, WT को WT ही लिखा जाएगा, कुछ और कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं आती बच्चा, मेरे को भी नहीं आती, ठीक है? तो WT को WT ही बोला जाएगा। तो आपको ये बताना है इनमें से अलग क्या होगा। विकास, SRB, टेक्निकल, मनोज साहू, आकृति पटेल, शुभम, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आराध्या, जीके शर्मा, दीपक, शुभम, आदित्य, अजीत, WT SRED KJ, बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आंसर आपकी चुटकियों में आने चाहिए। बताइए आया आंसर? आया आया आया, ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। R से S गया -1, D से E गया -1, K से J गया -1, जबकि W से T जो जा रहा है वो हमारा ज़्यादा डिफरेंस ले रहा है, U और V का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और सेशन शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना है बच्चा, क्योंकि ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है, आप लोगों की मर्जी से लगाया जा रहा है, ठीक है? यदि मैं संडे क्लास लेने आ सकती हूँ तो आप संडे पढ़ने भी आ सकते हो, ठीक है? हमेशा हर एक क्लास लीजिए, अटेंड कीजिए, क्योंकि अड्डा 247 ने आपकी जिम्मेदारी उठाई है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, कैसे ना कैसे करके। लेकिन बस आपको इतना सपोर्ट करना है कि आपको रेगुलर बने आना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास लेंगे। जो बच्चे आते हैं ना क्लास में, अरे इंटरेस्टिंग नहीं दिख रही है मैडम, कुछ नहीं बोल रही है मैडम, ये कर रही है, वो क्लास से छोड़ के भाग जाते हैं। इंटरेस्टिंग जब बनेगी यदि आप आंसर दोगे, यदि आप आंसर दोगे, दिमाग को खोलोगे, तो वो क्लास अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाएंगी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है? एग्री करते हो इस बात से? तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 41 एंड 22, बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? 41 और 22 के बीच में डिफरेंस कितना है? 19 का। 82 एंड 44 के बीच का डिफरेंस कितना है? 84 का। 83 एंड 64 के बीच का डिफरेंस कितना है? 19 का है या नहीं? बिल्कुल है। 63 और 93 के बीच में जो डिफरेंस है बच्चा वो कितने का है? 30 का है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ए, सी और डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन में क्या है बच्चा, 19 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो मेरा 19 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। चैलेंज से भरा क्वेश्चन है, ये आ गया आपके लिए भरे चैलेंज से क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था हर 3 क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा एक चैलेंज भरा क्वेश्चन। तो देखते हैं आज की क्लास में, मेरी क्लास में छोटा भीम कौन है? तो बताइए भाई कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? बानी, आराध्या, बनी, अनिल, राहुल सैनी। बानी बहुत दिनों बाद क्लास में देखियो। जीके शर्मा उस क्वेश्चन को समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। ये जो डाउट था बच्चा जीके शर्मा और काजल तिवारी का डाउट था जो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, जिसका आंसर था 68, ठीक है? आराध्या बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और भाई 500 लोग मुझे देख रहे हैं, 500 लोग, क्या 500 क्या सेशन को लाइक नहीं कर सकते हो? हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि एक हमें आप गुरु दक्षिणा में लाइक कर दे जाइए? हमारी खुशी तो उसमें ही हो जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि आपका पेपर निकल जाए, और अब जब भी आपका पेपर निकले तो आप आइए, अड्डा 247 आपका स्वागत होगा और हमसे मुलाकात कीजिए, ठीक है? लेकिन मिठाई लेके जरूर आना, ठीक है? मुझे रसगुल्ले पसंद है, रसगुल्ले लेके आना। विक्रम मैच स्टार्ट नहीं हो गया, पढ़ लो चुपचाप से, ठीक है? मैच स्टार्ट हो गया, मैच में ज़्यादा दीदा मत लगाओ, पढ़ाई में दीदा लगा लो। सरोज इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन ही ना, जब तक आप ये बताओ आप बहुत मतलब क्या कहता है वहाँ पे बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान। अरे मैडम तो ऐसे बोलती है, मैडम ऐसे बोलती है। जिस दिन यहाँ पे आके बैठ के कैमरे को फेस करोगे, जिसको आपको किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ कैमरे से ही बात करनी है, बस आपके कमेंट देख लिया, उसी का ही जवाब दे दिया, जब पता चलेगा मैडम बोलती कितना है, मैडम कितना तेज बोलती है, जब पता चलेगा, जब एहसास होगा। अभी तो आप कमेंट्री करके चले जाते हो, अभी तो कुछ नहीं मिलता आपको, ठीक है? बताइए क्लास का टाइम बच्चा मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है 9 बजे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए एच किस पे आता है हमारा? एच का बच्चा यदि मैं अपोजिट करूं, यदि मान लीजिए एच का अपोजिट करूं तो कितना आ गया? 8। आई का यदि मैं बच्चा अपोजिट ना करूँ तो कितना आ गया 9। आई का यदि मैं बच्चा अपोजिट ना करूँ कितना आ गया 9। एम का यदि मैं बच्चा नॉर्मल रखूँ तो कितना आ गया 13। ए एन किस पे आता है 14 पे, ये किस पे आता है 19 पे, एच किस पे आता है 8 पे, ये किस पे आता है 21 पे। सिर्फ प्लेस वैल्यू ले ली, प्लेस वैल्यू ले ली तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 17, 28, 99, 116 ये दिख रहा है। 8 और 9 कितना होता है, यदि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 17, यहाँ पे आया नहीं आया, बिल्कुल आया। तो सेम बच्चा अखिलेश का करो कितना आया 1 और 11, 11 + 1 कितना हो गया बच्चा 12, 11 + 1 कितना आ गया 12। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा भावेश नागेंद्र। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करके हमने इसका आंसर ले लिया। अब बच्चे बताओ आगे सॉल्व करोगे कैसे करोगे। 13 और 1 कितना आ गया 14 को यदि मैं 200 इंटू कर दूं कितना आ गया 28, आया नहीं आया। तो सेम बच्चा क्या आ गया एच आई और 9, 8 और 9 कितना हो गया बच्चा 8 और 9 आया 17, 17 को इंटू कर दो 2 से तो कितना आया 34। तो इसको आपको कंफर्म हो गया कि इसका जो आंसर बनेगा बच्चा वो हाल ही में क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। देखो भाई चुटकियों में कर दिया, आप कह रहे थे ना पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, पेपर में आएगा तो देखो भाई चुटकियों में सॉल्व हो गया, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करा है राहुल इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सुनील, बिल्कुल राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। हमने क्या करा बस प्लेस वैल्यू लिए, फिर हमने स्टार्टिंग के 2 डिजिट के दो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया और उसे इनटू कर दिया 1 को, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट लिए 2 लेटर्स लिए उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे हमने 2 से, तो आगे एंड सो ऑन हमें ऐसे सॉल्व करना है। आराध्या, समीर, संतोषी, आकृति, कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए सेशन को। तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए बच्चा डिक्शनरी के इसे अकॉर्डिंग यदि आप अरेंज करोगे तो कैसे आप इसे अरेंज करोगे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि आप इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो कैसे आप इसको अरेंज करोगे। शुभम, आदित्य, जीके शर्मा, ड्रोनल, पिंकी, इंजीनियर राजा पटेल, स्नेहा, कुशवा, अनुज, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो क्या है 1, 2, 4 CADD आएगा या CADA आएगा, या CADA आएगा बच्चा, पहले आएगा CADA, तो ये दोनों गलत, 2 तो बिल्कुल सेम है। 4 और 5 को देख लो, यदि आप बच्चा 4 और 5 को देखोगे तो CADD आएगा या CADE आएगा, CADD आएगा या CAD आएगा, तो बच्चा पहले आएगा आपका CADE। तो इसका जो राइट आंसर आएगा रामेंद्र, शोश्री, घूस राइडर, जीके शर्मा, मनीष, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा बताइए। शुभम भाई लाइक नहीं हो रही है, तो भाई बिल्कुल नाइंसाफी है, सेशन को लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो, ठीक है शेयर कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं हो रहा, मैं तो पढ़ पढ़ा के अपना पेपर निकाल के बैठी हूँ भाई। FCAT क्वालिफाई एंड CAT क्वालिफाई विद 98 परसेंटाइलर, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पल्लव इंडिया, पल्लव इतनी वाहियात लैंग्वेज मत यूज करो, यदि किसी ने आपको टाइम आउट कर दिया तो मेरे से बोलो, ठीक है लेकिन ऐसी लैंग्वेज यूज करोगे तो आपको वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है तो वाहियात लैंग्वेज यूज मत करो। क्लास में डेकोरम मेंटेन करो यार, डेकोरम मेंटेन करो ना। रिपीट कर दूंगी बच्चा मैं 8वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बच्चा पहले क्या है हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई, ये कब आई हमारी 4000 BC पे आई, कि भाई 4000 BC पे थी। फिर हमारे यही बच्चा मिस्र की सभ्यता आई, मिस्र की सभ्यता कब आई बच्चा 3400 पे। इसके बाद कौन सी हमारी सिविलाइजेशन आई, इन सब के बाद जो बच्चा हमारी सिविलाइजेशन आई वो कौन सी आई बच्चा, इंडस सिविलाइजेशन आई जो आई हमारी 25 BC में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा डी ऑप्शन। अंकित राणा, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। अंकित गलत पढ़ा दिया, क्या गलत पढ़ा दिया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत पढ़ाया। अंकित गलत कमेंट मत कीजिए, ठीक है यदि मैंने गलत पढ़ाया होता तो आई एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने कुछ गलत पढ़ाया, मैं वहीं पे स्टॉप करके उसे चीज़ों को सही करती। जब मैंने गलत पढ़ाया ही नहीं तो मत लिखो, ठीक है अच्छा नहीं लगता, ठीक है यदि कहीं गलत होती तो मुझे भी पता है, ठीक है कम करिए, थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, TUWZACFGI बताइए भाई। आराम से करेंगे, आराम से। मेरी किस्मत गौतम, मेरी किस्मत 25 तारीख को है, जब हम होंगे, जिंदा ही होंगी जब कर देंगे विश, ठीक है। बच्चे नहीं रहे तो क्या रहे। अच्छा, तुम्हारे मॉम डैड जब तुम्हें बच्चे बुलाते हैं, तुम्हें पता है गुरु का जो सम्मान होता है वो बहुत बड़ा होता है। यदि आप मेरे से कुछ पढ़ रहे हो तो उसका सम्मान बहुत बड़ा होता है। आप चाहे मेरे से फ्री में पढ़ रहे हो, आज की क्लास आपके लिए फ्री है, मेरा सम्मान तो बड़ा है ना। मैं आपको बच्चे बुलाऊं, नाम से बुलाऊं, किसी से भी बुलाऊं, डजेंट मैटर। पढ़ाई में दिमाग लगा लो, ठीक है। पढ़ाई में दीदा होता नहीं है। देखो, टी से जेड गया +6 हुआ, जेड से एफ गया +6 हुआ, एफ से एल गया तो +6 हुआ। तो एल में यदि मैं +6 करूंगी तो कितना आएगा बच्चा, आर आएगा। और आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा बी ऑप्शन। तो रिंटू, आराध्या, विनय, कावा, गोविंद, देवकांत, जो इसका राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, RSU बिल्कुल राइट आंसर आएगा। स्वाति, सतीश, मुरारी, देखो हम इन क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ऑप्शन में क्या है, P है, R है, Q है, U है, सब अलग है। यदि सब अलग है तो आपके लिए आसान होता है कि आपने कोई भी एक डिजिट देख ली और उससे आंसर सॉल्व कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, चैलेंज भरा क्वेश्चन। बताइए चैलेंज आपको, कि देखते हैं इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है और कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है। बताइए, इसमें आपको हर एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों भाई, 5 है, 4 है। अब आपको आंसर आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा, जो हमारी क्लास का टाइम है वो आज के लिए सिर्फ शाम को 6 से 8 बजे तक। वैसे हमारा मॉर्निंग में टाइम होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक 9 बजे। और कल होगा आपका लाइव टेस्ट रीजनिंग का, जहां पे आपके लिए होंगे NTPC, CPO, CGL और CHSL के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं इस क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आराध्या नहीं, आराधना, ओके आराधना, जल्दी जल्दी में नाम गलत पढ़ लेते हैं। आराधना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, चैलेंज भरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। पीछे नहीं हटना है, यदि एग्जाम निकालना है तो किसी भी क्वेश्चन से पीछे नहीं हटना है। जो बीच मैदान में अपने लक्ष्य को छोड़ के भाग गया वो लूजर होता है। ये जो एंड तक खड़ा है बच्चा वो कभी भी लूजर नहीं होता। उसे पता है मैंने मेहनत करी है, उसे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 423। चलो देखते हैं भाई। देखो, S को यदि मैं अपोजिट लिखूं, S के अपोजिट क्या आता है, H। H किसके प्लेस वैल्यू कितनी है, 8। S किसकी वैल्यू होती है, 19। C की वैल्यू कितनी होती है, 3। या आप ऐसा कर लो, देखो भाई SSC है, S की वैल्यू कितनी है, 19। अब इसको अपोजिट ले लो, अपोजिट किसके, इसके H के। तो H का प्लेस वैल्यू कितना है, 8। C की कितनी आती है, 3। तो 19 इंटू में 8 इंटू में 3 कितना हो गया बच्चा, 456। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 456। 456 को जब आप रिवर्स करोगे तो कितना मिलेगा, 654। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा। अब आप फाइंड करो RRB का क्या होगा बच्चा, RRB का क्या होगा। R किसकी पे होता है, 18 पे। R के अपोजिट क्या है, 9। B का क्या है, 2। 18 इंटू में 9 इंटू में 2 कितना आएगा बच्चा, 324। 324 को जब आप रिवर्स करोगे तो कितना आएगा, 423। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो स्टेट हो, NTPC हो, CGL हो, CHSL हो। हर एक किसी के लिए ये क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे TCS अब एक पुराने क्वेश्चन नहीं पूछता है, नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, कुछ कैलकुलेटिव होता है, किसी का लॉजिक अलग होता है रीजनिंग का। तो आपको पुराने क्वेश्चन नहीं करने, आसान क्वेश्चन कर तक कब तक करोगे, कब तक आ जाएंगे रीजनिंग में नंबर, नहीं आएंगे। रीजनिंग में 50 में से 50 ला सकते हो, तुम्हें पता ही वाली बात। लेकिन वो कैसे लाओगे, मेहनत करके लाओगे ना, बढ़िया से तरीके से पढ़ोगे जब भी तो आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शेयर भी करना पड़ेगा, तो शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पता नहीं बच्चे हम अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि मुझे पता है मेरी क्लास का एक एक बच्चा रीजनिंग में टॉप करे। मेरे से यदि तुमने ये कह दिया ना मैम एक क्वेश्चन रह गया, तो वहीं पर मुझे ऐसा होगा क्यों रह गया। मैं नहीं चाहती मेरी क्लास का एक एक बच्चा पीछे रहे, मैं चाहती हूँ मेरी क्लास का हर एक बच्चा आगे रहे, उसके मार्क्स अच्छे आए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। ये जिसकी भी फर्स्ट क्लास है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अड्डा ने जिम्मेदारी उठाई है आपको हर एक एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कौन पढ़ाता है, बहुत मेहनत से इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे बहुत बढ़िया टीचर आप लोगों के लिए अड्डा लाया है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कितना डिफरेंस है, +3 +4 +5 +6। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। बच्चा वाला क्वेश्चन है तो कितना आएगा 23 में, यदि आप 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 30। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बानी, प्रिया, दीपांशु, पल्लव इंडियन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि मेटीरियल को बच्चा हमारा RIALMATE लिखा जाता है तो रिमेम्बर को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उत्पाल, आरूही तुम दिखती नहीं हो सुबह की क्लास में 9 बजे। इतना मुश्किल होता है क्या आप लोगों के लिए संडे को उठना, या इतनी सुबह सुबह 9 बजे उठना। एक स्टूडेंट कब, तुम्हें पता है एक स्टूडेंट कब अच्छा बनता है, जब वो अपने टाइम से सो रहा हो, टाइम से उठ रहा हो, टाइम से खाना खा रहा हो, टाइम से अपनी एक्सरसाइज कर रहा हो, वो होता है एक अच्छा स्टूडेंट। चलिए बताइए वेद प्रकाश, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पल्लव, अब आपको कोई टाइम आउट नहीं करेगा, आप आंसर दे लीजिए। किसी ने टाइम आउट कर दिया तो मैं क्लास को यहीं छोड़ के पहले बात करने जाऊंगी, ठीक है, आप आंसर दे लो बच्चा। स्नेहा, SK, स्नेहा खुशवा का नाम है SK, चैट हो रही थी इनकी पहले। स्नेहा खुशवा, काजल तिवारी, GK शर्मा आराम से बातें करने में लगे हुए हैं। मैडम का वेट नहीं होता, दोस्तों का वेट होता है वहाँ पे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। मटेरियल को यदि ये लिखा जाता है तो हमारा रिमेम्बर को क्या लिखा जाएगा। देखो भाई, RIL MATE, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, MBER REME, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो क्या आएगा, MBER RREME, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था या नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो रीजनिंग और मैथ कभी भी आपसे हार्ड नहीं पूछता, लॉजिक पूछता है, कैलकुलेटिव पूछेगा। आपको कैसे उस क्वेश्चन को आसान बनाना है वो आपके हाथ में, वो कैसे बनाओगे, या तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे या आप उसमें एक लॉजिक ढूंढोगे। दो रास्ते होते हैं, और बच्चे जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे ना, बिना कंसेप्ट के, बिना किसी के आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। एक नया क्वेश्चन आ जाए, लगा लोगे ट्रिक। यदि मैं आज की क्लास में आपको एक नया क्वेश्चन दे दूं मैथ का, रीजनिंग का, किसी का भी, क्या आप ट्रिक लगा लोगे? नहीं ना, वहाँ पे काम क्या आता है, कंसेप्ट काम आते हैं। तो कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक को समझिए, ये नहीं कि ट्रिक समझ लिया और पेपर में आया क्वेश्चन और कंसेप्ट रह गए, वो काम नहीं करना। ज्ञान की बातें बता रही हूँ, ज्ञान की बातें ले लो साक्षी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आकृति पटेल, रोहित यादव, प्रदीप, इंजीनियर राजा पटेल, आरूही, सरोज वर्मा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। GK शर्मा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इसके बाद आपके पास आएगा चैलेंज भरा क्वेश्चन। तो देखेंगे चैलेंज कौन लेगा। मैम डोंट अटेंड योर लाइव सेशन बट वॉच योर ऑफलाइन। साक्षी अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद तो अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दोगे। देखो 5 में से 1 माइनस करो कितना है 4, 9 में से 1 माइनस करो कितना है 8, तो इसका मतलब क्या है 4 × 8 = 32, 8 × 6 = 48, 7 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 6, तो 6 × 9 कितना आ गया 54, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अनु, रमेश, राखी, बताइए है या नहीं आसान। SK, स्नेहा खुशवा, है या नहीं आसान। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज भरा क्वेश्चन, चैलेंज है, बताइए इसमें ऑड वन आउट क्या होगा। बताइए फटाफट से ऑड वन आउट इसमें से क्या होगा। तो देखते हैं आज की क्लास में कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है। फटाफट से बताइए सारे के सारे बच्चे। सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। भाई शेयर क्यों नहीं होता है भाई सेशन, मुझे ये बता दो शेयर क्यों नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आज, ठीक है। ऐसे बात नहीं बनती है, बिना शेयर के कैसे बनेगी भाई। चलिए बताइए, चैलेंज भरा क्वेश्चन है आपके सामने, चैलेंज दिया जाता है इस क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं कि इस क्लास में कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज में भी फॉलो हो सकता है, ध्यान रख लेना। ये जो क्वेश्चन का जब आप लॉजिक समझोगे तो ये जो लॉजिक है बच्चा वो नंबर सीरीज में भी लग जाएगा। रामू सेन, ये दिल बिल छोड़ दो, पर पेपर में ध्यान दे लो, पढ़ाई में दिमाग दे लो, यदि पढ़ लोगे जिंदगी में कुछ कर लोगे तो सफल हो जाओगे, नाम रोशन करोगे अपने माँ बाप का। हमारे देश में जो कुछ चल रहा है तो उससे अच्छा है कि आप पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लोगे तो नाम रोशन होगा, अपने बच्चों को एक अच्छी पहचान दे पाओगे, एक अच्छी परवरिश दे पाओगे। चलो कहाँ गई मैडम तो यही है, मैडम कहाँ चली जाएंगी। 43 और 50 में कितना डिफरेंस है बच्चा? 7 का। 67 और 80 में कितना डिफरेंस है बच्चा? 13 का। 59 और 74 में कितना डिफरेंस है बच्चा? 59 और 74 में जो बच्चा डिफरेंस है वो कितने का है? 15 का। 89 और 106 में जो डिफरेंस है बच्चा वो कितने का है? 17 का। अब बताओ, अब तो मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर दिया है, अब तो सीधा सीधा बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुरारी राय, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करने से कुछ होगा। जिंदगी में किसी को क्रिटिसाइज मत करो कि ये ऐसा है वो ऐसा है, अपने अंदर झाँक के देखो, खुद के अंदर बहुत कमियाँ दिख जाएगी। जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं। कमियाँ देखो, अपनी अच्छाइयाँ तो दुनिया बताती है, कमियाँ खुद देखो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बताइए पल्लव इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 4 + 3 कितना आ गया? 7। 6 + 7 कितना आ गया? 13। 8 + 9 कितना आ गया? 17। लेकिन 5 + 9 कितना आता? 14 आता। यदि मैं 49 में 14 को प्लस करती तो कितना आता? 73 आता। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन कैसा लगा? यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा पैटर्न आपसे किस में भी पूछा जा सकता है, सीरीज में भी पूछा जा सकता है, और ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुकी हूँ। धर्मेंद्र, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में, खास तौर से मेरी क्लास में आपको ऐसे कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पुराने पैटर्न पे होंगे, ओल्ड होंगे। आपको नया लॉजिक सीखने को मिलेगा हमारी क्लास में। पूरी अड्डा की टीम आपके लिए बैठ के एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो बहुत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करूँ बच्चा। 15 और 17 वो भी चीज़ सही है, लेकिन इसमें आप ये भी कर सकते हो 4 + 3 7। 43 में यदि 7 को ऐड करोगे कितना है? 50। 67, 6 + 7 13, ठीक है, ये लॉजिक भी ध्यान रखना। एक जो लॉजिक है वो आप बता रहे हो कि प्राइम नंबर है, वो लॉजिक भी सही है, और इस लॉजिक को भी ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? इफ एस डिनोट्स मल्टीप्लाई बाय पी डिनोट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आर डिनोट्स ऐड क्यू डिनोट डिवाइड, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से सिर्फ आंसर दे दोगे आप। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नरेंद्र बताइए, सुनील नेक्स्ट कर दिया बच्चा, नेक्स्ट करूंगी, टेंशन ना लीजिए, मेरे रहने से क्या होगा, हम तो अड्डा में ही रहते हैं, पूरे टाइम आप लोगों को पढ़ाने में लगे रहते हैं, तो मैं कहीं भी रहूँ बच्चा, डजेंट मैटर, है ना भाई, मैटर करता है आपको टाइम पे आ जाते हो क्लास लेने, वही मैटर करता है। बताइए, अरे भाई अंग्रेजी हिंदी ये बताओ, मल्टीप्लाई को क्या कहेंगे? गुना। सब्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? माइनस। ऐड को क्या कहेंगे? प्लस। डिवाइड को क्या कहेंगे? डिवाइड। और भाई इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, पेपर निकालना है, यदि कोई आपसे अंग्रेजी में तू तड़ाके से बोल गया तो कैसे जवाब दोगे, कैसे दोगे? पहले आप किसी को ट्रांसलेटर को लाओगे क्या? भाई जरा ट्रांसलेट करियो इसकी बातों को, नहीं ना, वो तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। यदि खुद करनी पड़ेगी तो कैसे? थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी सीख लो भाई, अंग्रेजी सीख लो के भला हो जाएगा भाई, थोड़ी सी सीख लो, ज़्यादा ना सीखो। राजू शर्मा यही तो कह रही मैं, थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ले भाई, नेक्स्ट ही सीख ले, ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई इस क्वेश्चन में देखिए 14641, यदि Q है बच्चा, जो Q है वो डिनोट कर रहा है किसको? डिवाइड को। जो P है बच्चा वो किसको कर रहा है? माइनस को। S जो है बच्चा वो किसको कर रहा है? मल्टीप्लाई को। जो R है बच्चा वो किसको कर रहा है? 100 प्लस को। तो बच्चा सॉल्व करो, 14641 को जब आप डिवाइड करोगे 121 से तो कितना आएगा? 121 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 121 माइनस 200 प्लस 100, तो कितना आ गया बच्चा? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 21। तो बी ऑप्शन क्या होगा बच्चा? बिल्कुल राइट आंसर हो गया मेरा बी ऑप्शन। समझ नहीं आया 17वें? समझ नहीं आया बच्चा? सिर्फ इसको आपको इंटरचेंज करना था, जहाँ पे Q लिखा था वहाँ पे डिवाइड करना था, जहाँ पे P लिखा था वहाँ पे माइनस करना था, जहाँ पे S लिखा था वहाँ पे इंटू, और जहाँ पे R लिखा था। पहली बार क्लास लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन की, ये बता दो भाई। हाँ भाई मैं हरियाणा से हूँ, मेरा कभी कभार टच आ जाता है हरियाणा का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यदि किसी को नहीं समझ में आई तो मैं हिंदी में बोल देती हूँ भाई, हिंदी में ये मैं बोल रही हूँ, तो अब अंग्रेजी के पीछे मत बोले करो, ये बोला करो मैडम अंग्रेजी में क्वेश्चन है तो मैं इसको जब भी समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। जब भी इंग्लिश समझ में आएगी थोड़ी बहुत भी, ऐड का मतलब बचपन से, यदि आप एलकेजी में हिंदी मीडियम से भी पढ़ो तो इतनी अंग्रेजी तो पढ़ी होगी, ऐड का मतलब क्या होता है, इतनी तो पढ़ी होती है, ठीक है। विशाल आंसर दीजिए, बातों में ना लीजिए, जो ये क्वेश्चन है वो क्या है बच्चा, हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पूनम टोल्ड अक्षय, अक्षय सर भी हमारे, ठीक है, पूनम टोल्ड अक्षय दैट yesterday she defeated Akshay's only sister daughter Sneha in a school taekwondo competition. पूनम ने अक्षय से कहा कल उसने एक स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अक्षय की इकलौती बहन, किसकी भाई, अक्षय की इकलौती बहन की बेटी स्नेहा को हराया था, किसको, स्नेहा को हराया था। तो अक्षय स्नेहा से क्या से संबंधित है, तो बच्चे बताइए जो अक्षय है वो स्नेहा का क्या लगेगा, मामा लगेगा, अंकल लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा, पल्लव इंडिया से। पल्लव इंडिया आपकी फैकल्टी की, आपकी रीजनिंग वाली टीचर की 2200 वॉचिंग भी रह चुकी है, ठीक है, तो 700 बहुत कम है, यदि आपको पार्टी लेनी है तो 2200 से ज़्यादा वॉचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 700 प्लस तो मेरी कई बार रही है बच्चा, तो उससे पहले आपको यदि शेयर करना है तो 1000 पे पार्टी दे देंगे, चलो 1000 कर दीजिए शेयर वॉचिंग। चलिए स्नेहा कुशवाहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें जीतना है, बिल्कुल जीतोगे भाई, हारेगा कौन, मेरी क्लास के एक भी स्टूडेंट को कोई हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता भाई, कोई नहीं रहेगा। राजेश बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लड़कों की एक पंक्ति में तारक दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं भाई, चुटकियों भला आंसर है, कैसे भाई, 2 × 18 - 1, 18 × 2 = 36 -1 कितना हो गया, 35, तो इसका जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया, 35। कई बार बता रखा है रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और कई बार क्लास में बता रखा है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैलेंज, चैलेंज क्वेश्चन भाई बताओ, चैलेंज भरा क्वेश्चन है ये, बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए चैलेंज भरा क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान भी है, यदि आप नहीं सोच पाओगे तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। तो पल्लव इंडिया, सरोज वर्मा फटाफट से आंसर दीजिए, राकेश, आरूही, रंजीत, बानी 96। बानी कभी आप क्लास में आते हो कभी नहीं आते, आपको टाइमिंग्स पता है, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे होता है हमारा मंडे से फ्राइडे। दुर्ग विजय शर्मा, बहुत दिनों बाद बच्चा क्लास में और मुझे एक एक क्लास का एक एक स्टूडेंट का पता है कि कब कौन कब आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको क्वेश्चन हार्ड देखते ही वो चला गया, तो क्वेश्चन हार्ड देखते और भाई लाइक नहीं हो रहे हैं, भाई लाइक रुक गए क्यों भाई, पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा हो तो जब भी लाइक करो, क्योंकि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं से भी इतू सा भी ज्ञान मिलता हो, इतू सा भी ज्ञान वो इनफ है, ठीक है। बताइए पवन कुमार, मेरे लिए तो आप ही लोग ही बच्चे बोलो अब क्या करोगे बताओ, हाँ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे भाई, 56 में से यदि आप 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 35, 35 को इंटू कर दो 2 तो 70, 35 कैसे आया, 56 - 21, 87 - 45 कितना है, 42, 42 इंटू में 2, 84, 180, 115 में से माइनस करोगे कितना आएगा, 65, 65 इंटू में 2, 130। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या आएगा, 130 बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा, ए ऑप्शन। विकास, किरण, एस दीवा, आरूही, विनीत, HK, JS, मंडल, सुनील साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका कैन नॉट बी फॉर्म, जो आपसे बनाया नहीं जा सकता, आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो बताइए कैन नॉट बी फॉर्म एब्सोल्यूट में कौन सा हमारा नहीं बनाया जा सकता। देखिए जो नहीं बनाया जा सकता बच्चा वो क्या है, सॉल्व, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, वी आ रहा है, और एब्सोल्यूट में क्या आ रहा है बच्चा, वी नहीं आ रहा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है, ऑल फैन आर कप, ऑल कप्स आर पिलो, क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है, सर्टेन है, सर्टेन है, ऑल फैंस आर पिलो, पहला सही, ऑल पिल्लो और फैन, देखो यदि आप बात करोगे ऑल पिल्लो और फैन की तो बच्चा जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, तो ओनली वन जो कंक्लूजन होगा बच्चा वो क्या होगा, फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट बेस बेस में होगा बच्चा, BSc होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर भरा क्वेश्चन, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैलेंडर भरा क्वेश्चन है बच्चा। 5 जनवरी 2011 को यदि मेरा क्या है, गुरुवार है, वीरवार है, बृहस्पतिवार है, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रुकने नहीं चाहिए, आंसर आने चाहिए। फटाफट से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन है बच्चा वो 5 जनवरी 2011 को क्या है बच्चा, वीरवार है, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा सीजीएल लेवल के कराओ मैम। बच्चे ये कौन से लेवल के चल रहे हैं, फिर कौन से बीच बीच में देखोगे ना इस क्वेश्चन के बाद में से बात करना कि सीजीएल लेवल के या उससे ऊपर लेवल के हैं, ठीक है। कहना बहुत आसान होता है, सीजीएल के कराओ, उसके कराओ, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत मत लीजिए। मंडे मंडे होगा, मैं नहीं कहूँ तो मैं कहूँ कि मंडे नहीं होगा, फिर क्या करोगे भाई ये बताओ। यदि मैं कह दूं मंडे नहीं होगा फिर क्या करोगे भाई ये बताओ भाई। 5 जनवरी 2000 शिराज, आपने कभी क्लास लिए पहले रीजनिंग की? यदि आपने पहले रीजनिंग की क्लास लिए तो इतना आपको बेसिक से समझ में आ जाता, यदि आपने नहीं लिए तो वो तो नहीं समझ में आएगा। देखो 5 जनवरी 2011 को क्या है बच्चा, वीरवार है, तो 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, क्या दिन होगा आपका, होगा बच्चा फ्राइडे। क्या होगा बच्चा, फ्राइडे। यदि मैं बात करूं 5 जनवरी 2012 को हमारा फ्राइडे है, तो 5 जनवरी 2013 को क्या होगा बच्चा, सैटरडे। क्या होगा बच्चा, होगा नहीं होगा, 5 जनवरी 2013 को क्या होगा, संडे होगा, होगा या नहीं होगा। अब उसने पूछा बच्चा कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो बच्चा 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा हमारा, वेडनेसडे होगा। क्यों होगा भाई वेडनेसडे, वेडनेसडे क्यों होगा, संडे। 4 को क्या होगा, सैटरडे। 3 को क्या होगा, यदि 4 को मेरा सैटरडे है तो 3 को क्या होगा, फ्राइडे। 2 को क्या होगा, थर्सडे, तो 1 को क्या होगा, वेडनेसडे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, कुणाल कुमार, जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा, वेडनेसडे, बुधवार, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये कंसेप्ट जो मैंने अभी कैलेंडर में आपको पढ़ाया है, कैलेंडर के क्वेश्चन में कराया, वह कंसेप्ट मैं कैलेंडर की क्लास में बार बार क्लियर कर चुकी हूँ। जब मैं आपको टॉपिक सिखाती हूँ तो जब तो आप आते नहीं हो, अब मेरी गलती भी नहीं है इसमें। बताओ भाई, चैलेंज भरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चैलेंज वाला क्वेश्चन आ गया। जो बच्चे मेरे से कह रहे थे, आराध्या, अमित पांडे क्या कह रहे थे कि मैडम सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कराओ, सीजीएल लेवल से अपर लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे सीजीएल में भी नहीं पूछता, कहाँ पूछा जाता है। जल्दबाजी में गलत मत करो, जल्दबाजी में मेरे से गलती नहीं होती, आप कैसे कर रहे हो। पंकज अरोड़ा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पल्लव, रामू सेन, शंकर, रवि, देवस्टार, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम आउट कर दिया भाई, किसी को टाइम आउट मत करो भाई, बहुत मेहनत से बच्चे आते हैं, ऐसे टाइम आउट मत करो, थोड़ी सांस ले लो। यदि बच्चा मैंने सांस ले ली ना तो तुम पता नहीं क्या क्या कर लोगे, यहाँ पे बैठ के सारे क्लास छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है, और कहोगे मैडम होगी क्लास, क्योंकि मेरे बिना बोले, यदि मैं जब तक बोलूंगी नहीं आंसर नहीं आते हैं, तो आंसर लाने, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साक्षी 132, तो कैसे आएगा बच्चा 132, हाउ कैसे आएगा। अरे बिजी बिजी मत रहो, और भाई यदि किसी को मेरी शादी की इतनी जल्दी पड़ी है, जब मेरी शादी होगी तो मैं कन्यादान में आप लोगों को बुला लूंगी, आ जाना अटेंड करने मेरी शादी, ठीक है। और अभी ना हो रही मेरी शादी, घना टाइम है वहाँ में, ठीक है, तो अभी शादी के पीछे ना पड़ो। हाँ जी वेणु, निंदा मुनि वेणु, बहुत दिनों बाद दिखे हो, कहाँ गायब थे भाई, कहाँ गायब थे वेणु, बहुत दिनों बाद दिखे हो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सेशन लाइक नहीं होता है, सेशन लाइक कैसे होगा भाई, तुम सेशन को लाइक क्यों नहीं करते हो, मुझे ये बताओगे, ज्ञान दोगे जरा मेरे को, लाइक क्यों नहीं करते हो। पवन मैडम पान तो नहीं खाती, मैडम को पान खाने की आदत नहीं है, लेकिन जब ज्यादा बोला जाता है तो मुंह में अल्सर हो जाते हैं, अल्सर का मतलब समझते हो आप, छाले हो जाते हैं, ठीक है। बताइए स्नेहा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई डिफरेंस कितना है, अरे ये क्वेश्चन अभी तो बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी बताया है, चैलेंज देते हैं, चैलेंज फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। 15 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का। अब ये बच्चा बताओ 15, 48, 6 और 4 कैसे आएगा, 15, 48, 6 और 4 कैसे आएगा। देखो भाई 15, 48 कितना गया, 5 दिए 15, 6 8 48, 1 इंटू में 1 इंटू में 6, 1 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 126 को 1 इंटू में 2 इंटू में 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। यदि मैं 126 में 12 को ऐड करूंगी तो बच्चा कितना आएगा, 138। तो इस आसान से क्वेश्चन का आंसर था बच्चा 138, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था मेरा 130। तो काहे आंसर दे रहे थे 132? अरे यही इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था ऑड वन आउट में, वहां पे डिजिट का सम ले रहे थे, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में ले रहे हैं बेफालतू में। 132 का ही आंसर आएगा 132। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एनटीपीसी अंकित बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। देखिए भाई, बीसी के पहले क्या आता है ए, क्यू से पहले क्या आता है पी, क्यू के बाद क्या आता है आर, बी ए बी सी पी क्यू आर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो क्या आएगा, ए पी आर सी क्यू, ए पी आर सी क्यू क्या होगा बच्चा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा मेरा सी ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन अलग से हटके, बिल्कुल अलग से हटके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, ऑप्शन है बच्चा 2, 5, 6 और 3। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, ये क्वेश्चन आपके पास है, चैलेंज भरा क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज की क्लास का मेरा छोटा भीम कौन बनता है। टाइम आउट मत करो भाई किसी को, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के आगे, टाइम आउट मत करो किसी को भी। कमेंट टीम से जाके बात कीजिए कि टाइम आउट ना करें किसी को भी, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट करो बच्चा, टाइम आउट वो जब भी आपको कर रहे होंगे यदि आप कुछ ज़्यादा गंदा वर्ड यूज़ करो, वाहियात लैंग्वेज यूज़ करो या मैनर्स नहीं है आप में, नहीं तो वो टाइम आउट नहीं करते। अजय कुमार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देव शाह को टाइम आउट कर दिया, मत करो भाई किसी को, टाइम आउट मत करो। चैलेंज भरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन, टाइम आउट टाइम आउट, नो टाइम आउट नहीं होगा, आप कोई टाइम आउट नहीं होगा। देखो भाई 36, 6 इंटू में 3 कितना आ गया 18, 6 इंटू में 3 कितना आ गया 18। यदि मैं बच्चा 18 को रिवर्स करूँ तो कितना आएगा 81। तो 81 किसका होता है भाई, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। किसका होता है बच्चा, 9 का स्क्वायर आता है, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो सेम बच्चा 7 इंटू में 9, 9 सत्ते कितना हो गए 63, 63 को यदि आप रिवर्स करोगे तो बच्चा कितना आएगा 63, कितना आएगा 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 6 का स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा काना तनुजा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा 6 आंसर। बताओ भाई आसान था या नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आसान क्वेश्चन था तो सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आरोही बस आपको क्या करना था, इनटू करके रिवर्स कर देना था, आंसर आपकी चुटकियों में आपके हाथ में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे है भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो क्या है, एक आदमी कहाँ चल रहा है बच्चा, पूर्व की साइड चल रहा है, कहाँ पे पूर्व की साइड चल रहा है, चल गया भाई पूर्व की साइड, वह उत्तर की ओर कहाँ मुड़ गया बच्चा 5 किलोमीटर मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया 5 किलोमीटर। अब उसने बोला कि बच्चा वो यदि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, यदि बच्चा वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है तो वो कहाँ की साइड मुड़ेगा। बताइए यदि बच्चा वो 270 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है तो कहाँ की साइड मुड़ेगा, ठीक है। बताइए भाई, वो यदि 270 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है तो बच्चे कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो 270 ये आ गया, तो कितना चला 12 किलोमीटर। तो उसने पूछा न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आपको पता है 12 और 5 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है बच्चा, 13 बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा 13 किलोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर आएगा बच्चा 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ट्रायंगल कितने होंगे तो फाइंड करके बताइए बच्चा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा भाई, बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, तो देखेंगे कौन आंसर देगा। बताइए भाई, लेफ्ट मुड़ना है, बताइए बच्चा मृदु, लवी, साक्षी कुमारी, इरफाल, दिव्याश, विक्रम। विक्रम तुम्हारा तो मैच था भाई, तुम तो अभी गायब हो गए थे भाई, मैच था भाई तुम्हारा। विक्रम ऐसे यहाँ से भाग के गया था जैसे उसे मैच ही जीतना है, पढ़ाई से नहीं जीतना, उसे मैच से जीतना है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको कितनी बार बताया जब हमारा 1 2 3 4 होता है तो कितना होता है 4 दूनी 8, और कितनी बार 1 2 3 4 हो रहा है 4 बार हो रहा है, तो कितना गया 8 चौक 32। यहाँ तक हमें मिल गए 32, कितने मिल गए 32 मिल गए, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, तो 32 और 6 कितना हो गए बच्चा 32 और 6 हो गए हमारे 38। 38 के बाद देखो भाई कितना हो गया 39, 40, 40 के बाद 41, 42, 42 के बाद 43, 43 के बाद 44, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे 44 होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरा बच्चा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज, बताओ भाई चैलेंज क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने चैलेंज भरा क्वेश्चन है, तो बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चा देता है। राजेश, आरोही, टिंकू, मनमोहन, दिमेंद्र, मनमोहन, पल्लव, कहीं चला गया ना सरोज वर्मा, कल से क्लास में बैन लगा दूंगी मैं तुम्हारा। क्लास का आंसर ये देके जाओ, इस चैलेंज भरे क्वेश्चन का आंसर देके जाओ, आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। नीरज कुमार, समझ में जब आएगा जब आप डेली बेसिस पे मेरी मंडे से फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे क्लास देखोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं चलेगा। यही तो मैं बात आपसे कहती हूँ, पहले कंसेप्ट जानिए, ट्रिक्स उसके बाद जानिए, पहले कंसेप्ट तो सीख लो। कंसेप्ट कैसे सीखोगे, डेली क्लास लोगे जब भी तो सीखोगे, बिना सीखे तो आएगा नहीं भाई, बिना सीखे नहीं आएगा तो कैसे बनेगी बात, बताओ भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शन को वो मत करिए, मैं कह रही हूँ ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, बताओ। अब तो तुम्हें पता है ऑप्शन में आंसर ही है, लेकिन बताओ भाई ऑप्शन पे ऐसे टिक्का मत मारिए कि यहाँ पे ये आंसर होगा वो आंसर होगा, आंसर बताइए भाई। मुने, तन्या, लवी, गोरी, आकाश, लक्ष्मी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चैलेंज है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बताइए कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बताइए कुणाल, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई, 43 को यदि मैं इंटू करूँ 4 से, और ये 4 कैसे आया आगे वाला, तो कितना बच्चा 172, यदि मैं इस 172 को ऐड कर दूं तो कितना आएगा 1 + 7 + 2 10, तो 64 को यदि मैं बच्चा इंटू करूं 6 से तो कितना आएगा 384, तो 3 + 8 + 4 कितना आ गया बच्चा 15 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए ऑप्शन। जो बच्चे कहते हैं ना मैडम क्वेश्चन कराओ एसएससी लेवल के कराओ, तो बच्चे ये एसएससी लेवल से भी अपर लेवल के क्वेश्चन है जो आज की क्लास में मैं आपको करा रही हूँ। तो इसको क्वेश्चन को यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर लगाना है। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है इस आकृति को, तो कंप्लीट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई यदि आप इसको कंप्लीट करोगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे तो भाई कैसे बनेगा, देखो भाई इसको कंप्लीट करोगे तो ऐसे बनेगा। तो ये किस में बन रहा है बच्चा, ये जो बन रहा है बच्चा वो बन रहा है मेरा ए ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा मेरा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। ओनी, घूस राइडर, पवन राव, शंकर, संजय, ललित, अनु, बंटी, अंजलि, विशाल, कानू, सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है ये जो आकृति छुपी हुई है वो कहाँ पे छुपी हुई है आकृति इस फिगर में। तो बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दोगे चुटकियों में आंसर बताओगे, लेकिन बताओ तो सही इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई ये क्या है हमारा बी ऑप्शन है, कैसे है बच्चा, ये है हमारा बच्चा बी ऑप्शन है जिसमें ये आकृति छुपी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। वर्ल्ड, इंडिया, दिल्ली। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है दुनिया, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है संसार, इंडिया मतलब क्या होता है भारत, दिल्ली मतलब दिल्ली। लो भाई हिंदी इंग्लिश भी हो गया। अब इसके बाद आएगा आपके पास एक चैलेंज भरा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि उसका आंसर कौन क्या देगा। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मृदुल, सतीश, मनोज, जितेश, नीरज, निधि, राणा, इंद्रजीत, दीपिका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुरभि गुप्ता, संसार, भारत और दिल्ली। देखिए वर्ल्ड के अंदर क्या आता है, इंडिया आता है, इंडिया के अंदर आता है हमारा दिल्ली बेचारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अरे बी ना होगा सी होगा। इतने आसान क्वेश्चन का आंसर गलत मत दीजिए। चैलेंज भरा क्वेश्चन, चैलेंज भरा क्वेश्चन है बच्चा। यदि दीशु को 141952 कहा जाता है तो टेडी को क्या कहा जाएगा। टेडी बियर नहीं समझना है, कभी टेडी को सोच के इमोशनल हो जाओ, टेडी मत समझो। आंसर दो भाई, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे लिया तो आज की क्लास के होंगे आप छोटा भीम। और भाई यदि ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है तो आज मैं आपको एक चैलेंज करती हूँ, फटाफट से इतनी जगह शेयर कीजिए इस सेशन को कि हमारी जो 1000 वॉचिंग है वो 1000 प्लस वॉचिंग चली जाए। फटाफट से इस सेशन को बच्चा आपको शेयर करना है कि हमारी जो वॉचिंग है वो 1000 चली जाए। और हमारे हमने क्या रख देंगे, हम इतिहास रचेंगे लेकिन बहुत दिनों बाद रचेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। दिशु को यदि 141952 कहा जाता है तो टेडी को क्या कहा जाएगा, बताइए। दिशु डी को यदि मैं, अच्छा मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपके लिए सरप्राइज है। इस क्वेश्चन का आंसर जब भी मिलेगा जब 1000 होगी। अब दो भैया, चैलेंज भरा क्वेश्चन है, अज्यूम लगाते रहो भाई। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल, मिथेन मैनर्स नहीं सिखाऊंगी, मैनर्स अपने घर से सीख के आइए। यहाँ पे मैं आपको ज्ञान सिखाऊंगी, लॉजिक सिखाऊंगी। एटलीस्ट मेरे को मजबूर मत क्या करो कि मैं आपको वैसी क्लास में पढ़ाऊं और ऊपर से मैनर्स भी आके सिखाऊं। अब मैनर्स भी मेरा काम है सिखाने का, मैनर्स तो घर में सीख के आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। और यही लाइन मेरे को डेली डेली बोलनी पड़ेगी, फिर कहते हो मैडम डांट देती है, मैडम डांटेंगी तो और क्या करेंगे भाई। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। नारायण अभिषेक महाताब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभिषेक अंकित इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी मिलेगा जब आप 1000 हमारे क्या करोगे स्टूडेंट जोड़ दोगे। फटाफट से बच्चा लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कीजिए। और 1000 बच्चा हो चुके हैं तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं बच्चा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी क्या आता है बच्चा 23 पे आता है, आई आता है हमारा 18 पे। अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर क्या आते हैं 23 और 18, समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आ रही है। एस किस पे आता है 19, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 19 दिख रहा है नहीं दिख रहा। एस किस पे आता है हमारा 19 पे, यू किस पे आता है 6 पे, अपोजिट लेटर। तो देखिए डी किस पे आता है 4 पे, डी आता है 4 पे। तो 4 वाले कौन से भाई, सारे 4 वाले हैं, सारे 4 वाले। ऑप्शन से एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, यदि आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो आप देखो 23 प्लस 18 कितने हो गए, 23 प्लस 18 हो गए बच्चा 41। 41 को रिवर्स कर दो तो कितना आ गया 14, तो यहाँ पे कितना है 14। 19 प्लस 6 कितने हो गए बच्चा 25। 25 को रिवर्स कर दो कितना आ गया 52, आया नहीं आया। तो देखो टी किसके अपोजिट आते हैं जी के, तो जी आते 7। ई आता है किस पे 22 पे, तो 22 प्लस 7 कितना हो गया बच्चा, जो 22 प्लस 7 हुआ है वो आया हमारा 29। 29 को यदि आप रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 92। तो सेम मेरा डी जो बच्चा आता है हमारा किस पे आता है 23 पे, वाई आता है 2 पे। तो 23 प्लस 2 कितना आ गया 25। 25 को यदि आप रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 52। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा 92452। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने एक क्वेश्चन इतना बढ़िया दे दिया, ऐसे क्वेश्चन तो मैडम पूछता ही नहीं है। क्या चाहते हो, पढ़ाई चाहते हो तो भाई क्वेश्चन तो मिलेंगे और क्वेश्चन अच्छा है भाई, ठीक है। ये मत सोचो कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, ना तुमने पेपर बनाया ना मैंने पेपर बनाया, पेपर बनाने वाले वहीं पे है भाई। दे दिया ना ऐसा कोई लॉजिक, पता चल जाएगी ऐसा एग्जाम में नहीं आता, ऐसा वैसे सब जगह आते हैं। अभी यदि CHSL के पेपर उठा के देखोगे ना जो अभी हुए थे 2019 में, पता चल जाएगी कैसे क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, NTPC बॉय अमर भारती। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पता है जब ये ओपन हो जाएगा, जब आप ये ओपन हो जाएगा बच्चा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। मुकेश अंजलि दलसो जी पे मिस्टर बीन, जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मुझे नाम देखते ही ऐसी आ गई, चोमू इज 267। तो आयशा को क्या कहा जाएगा, इज अ चैलेंज भरा क्वेश्चन। यदि चोमू मेरा 267 है तो आयशा क्या होगी, बताइए। एक हमारी इंग्लिश वाली मैडम है आयशा, बैंकिंग के चैनल पे पढ़ाती है, बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है। एक हमारे मैथ वाले सर हैं, बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, नाम बताएंगे उनके बाद में, सरप्राइज होगा आपके लिए, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश भी पढ़नी है तो आयशा मैम बहुत बढ़िया अंग्रेजी पढ़ाती है। यदि आपको मैथ पढ़नी है तो टीचर्स अड्डा पे हमारे आयुष सर बहुत बढ़िया वो पढ़ाते हैं। टीचिंग की सारी पूरी जो टीचिंग UP टेट CTET हर एक एग्जाम को वो फोकस करते बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ाते हैं। बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, चैलेंज क्वेश्चन है भाई, चैलेंज क्वेश्चन है तो बताइए भाई इस क्वेश्चन। भाई देखो पेपर मैंने नहीं बनाया और जो ये कह रहे हैं मेरे से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो बच्चा ये तो प्रैक्टिस है, आपने बनाया पेपर। यदि आपने बनाया तो भाई पेपर भेज देना, मैं अपने बच्चों को पास करा लूँगी। जो मेरी क्लास के जो रेगुलर स्टूडेंट है ना जो आते हैं, मैं उन्हें बता दूंगी ये पेपर है, पास हो जाओगे, मार्क्स आ जाएंगे अच्छे। अनिल कुमार, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे जब भी कमेंट दिखेगा हम आपके कमेंट को ज़रूर ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे। ऐसा मत बोलो मेरी क्या दुश्मनी होगी आपसे, ये बताओ मेरी कोई दुश्मनी हो सकती है? मेरी तो कतई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, ठीक है। पानी नहीं पी रहे हैं, पानी तो आज जब भी पियेंगे जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दीपिका, आयशा मैम की मैंने क्लास किया है, आयशा मैम की अच्छा पढ़ाती है ना, बढ़िया पढ़ाती है, भला चंगा। देखो सी किस पे आता है 3 पे, एच किस के आता है 8 पे, ओ किस पे आता है 15 पे, एम किस पे आता है 13 पे, यू किस पे आता है 21 पे। आता ही नहीं आता, प्लेस वैल्यू लिए सिर्फ। यदि प्लेस वैल्यू लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है भाई। अब आप कहोगे मैम ये 267 कैसा है, आपको ये दिख रहा है 1 और 5, यदि आप इनकी डिजिट को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 6, तो ये 6 दिख रहा है। तो S कितना आ गया 19, 1 + 9 कितना आ गया 10, 10 को ऐड कर दो तो कितना आ गया 1, 1 किस में आ रहा है बच्चा, 1 किस में हमारा आ रहा है, 1 किस में आ रहा है और बाकी के बारे में A आ ही नहीं रहा, एक आ ही नहीं रहा, तो A और C में से एक में आंसर होगा। यदि A और C के एक ऑप्शन में से आंसर होगा तो देखो 8 और 3 कितना हो गया 11, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो 2 आ गया। तो सेम A आता है 1 और 9, 9 + 1 कितना आ गया 10, तो 1 + 1 1 + 0 कितना आ गया 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सुनील साक्षी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 119, 213 नहीं होगा। 213 कैसे दे रहे हो आंसर, A पे आता है 1, I पे आता है नो, 1 + 9 10, 1 + 0 is 1, तो 119 जो होगा बच्चा आरोही, तान्या, अमित, पवन राव, प्रदीप, आरोही, लवी, जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा A ऑप्शन। अगेन है बच्चा आपके सामने चैलेंज भरा क्वेश्चन, चैलेंज भरे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है तो आपको रुकना नहीं है, आपके पैन नहीं रुकने चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, चैलेंज भरा क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिख नहीं रहा बच्चा, दिख क्यों नहीं रहा। 24, 9 and 15 बेहतरीन है भाई। मुझे लग रहा है मेरा एक क्वेश्चन रह गया आप लोगों के लिए, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विजय मिश्रा, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन लग तो नहीं रहे बच्चा मेरे को, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे ना तो यही क्वेश्चन ना आपको जिंदगी में रीजनिंग सिखा देंगे, लेकिन करो तो सही, डेली तो क्लास लेते नहीं। मंडे से फ्राइडे मेरी मॉर्निंग में 9 बजे क्लास चलती है और वहाँ पे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दिल रात, दीपा, सीना, भावे, संगीता, मिस्टर अर्जुन, अंकित, मृत्युंजय, सनी, विजय, आप लोगों के लिए टाइम दिया जा रहा है, मैं बिल्कुल टाइम दे दूंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे यदि आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो देखिए भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे भाई 2 × 4, यदि आपको चलो मान लीजिए 2 + 4 कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, तो 36 किस किस पे आता है 9 पे, आया नहीं आया। 1 + 5 कितना आया 6, 6 का स्क्वायर कितना आया 36, तो कितना आ गया 9, 3 + 6 9, 3 + 6 9, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा सी ऑप्शन। आसान था या नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन बच्चा, लेवल क्वेश्चन है, किसी का भी इस क्वेश्चन में रायता नहीं फैलना चाहिए था। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 + 6 9 कितना आ गया 3 + 6 9 आ गया। तो सेम 1 + 5 = 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 + 6 करूंगी तो कितना आएगा 9। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है बच्चे इसे चेंज कर दो, 24, 8 then 43 then question mark। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपके पास, ये जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सरोज, प्रदीप, आरोहित, विक्रम मिश्रा, विक्रम कटारिया, आकांक्षा, अरविंद, अरविंद जी हमारे मैनेजर हैं, हमें उनका नाम याद आ गया अरविंद का नाम देखते ही। विजय मिश्रा, सुनील, हरि गोविंद, मिस्टर अर्जुन, संजय, मृदुल, बृजमोहन यादव, फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए बच्चा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं बच्चा कहना छोड़ देती हूँ आप लोगों को, तुम लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हो है ना, शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को है ना, तुम मेरा मजाक बना देते हो नेक्स्ट देर में। बच्चा ना बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ऑफिसर्स बोल लूँ, इंस्पेक्टर बोल लूँ, नाम तो देखो मैं सबका ले नहीं सकती, स्टूडेंट बोल लेती हूँ। स्टूडेंट कैसा लग रहा है, मजा भी नहीं आ रहा स्टूडेंट बोलने में। फिर कहोगे मैडम स्टूडेंट को अंग्रेजी में मत बोलो हिंदी में बोलो, हिंदी में तो विद्यार्थी होगा हिंदी में विद्यार्थी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्यार्थी बोलते मेरे को ये याद, अरे 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 12 का ही आंसर दे रहे हो। आकांक्षा, आपको क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आ रहे क्योंकि आपने क्लास को ध्यान से समझोगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 34 हार्ड है बच्चा, हार्ड तो सारे क्वेश्चन है, हार्ड तो सारे क्वेश्चन है भाई। प्रीतम 34 आसान क्वेश्चन था, 2 + 4 = 6। 34 क्या था? सॉरी चलो इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगी इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए भाई 24 है, 24 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। 2 की पावर 4 कितनी होगी? 16। 8 कैसे आएगा भाई? यदि मैं 16 को डिवाइड कर दूँ 2 से तो कितना आ गया? 8। यदि मैं 16 को डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आ गया मेरा? 8। तो सेम 43 को क्या लिख सकती हूँ मैं बच्चा? 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 पे कितना आएगा बच्चा? 64। 64 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा? 32। जिसका जो राइट आंसर आएगा नलायकों वो आएगा मेरा 32। तो 32 बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा 32। और आज की क्लास का चैलेंज भरा एक और क्वेश्चन, तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, ऑड वन आउट, इनमें से अलग क्या होगा? फटाफट से बताइए इनमें से अलग क्या होगा, इनमें से अलग क्या होगा? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भाई क्या जा रहा है भाई? LCM जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? LCM बिल्कुल जा रहा है। अब तो इतने हिंट दे दिए, अब तो बता दो इनमें से अलग क्या होगा। इसमें से अलग बताइए भाई। घनश्याम चतुर्वेदी, नाजमुद्दीन नाजमी। मैम रुको, अरे कहाँ रुकूं, रुकी तो पड़ी हूँ, और कितना रोकोगे भाई। शैलेंद्र बहुत बड़ा कुछ लिख के देखा है, डायरेक्शन डिस्टेंस का बच्चा। मैम नलायक क्यों बोली? शंकर नलायक क्या होता है? यदि आप एक टीचर की डांट नहीं खाओगे तो एक कहते हैं ना, जो लोहे को जब घड़े को देख लो, यदि घड़े को जब तक मारा नहीं जाता, उसे फेंटा नहीं जाता, जब तक वो घड़ा सुंदर शेप में नहीं आता ना, तो उसी प्रकार जो एक स्टूडेंट है वो एक सुंदर शेप में कब आएगा? जब वो एक टीचर की डांट खाएगा। टीचर की डांट खाएगा तो उसे पता है यहाँ पर मैंने गलती करी है, तो ये गलती उससे एग्जाम में नहीं हुई। अभी तुम 10 गलतियाँ कर लो, सब माफ है, उस टाइम नहीं होगी। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। कोई कहता है नलायक बोलो, भाई नहीं आ रहा। JEIO देखो भाई, I से क्या जा रहा है? J जा रहा है। P से क्या जा रहा है? Q जा रहा है। R से क्या जा रहा है? S जा रहा है। इतना हिंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। अब एक हिंट और सुनोगे, एक हिंट और क्या है भाई इसमें बच्चा? जो एक हिंट है, A के बाद कौन सा वो वोवल आता है? E आता है। O के बाद कौन सा वो वोवल आता है? U आता है। U के बाद कौन सा वोवल आता है? A आता है। आता है नहीं आता? U के बाद कौन सा वोवल आता है? A आता है। O के बाद क्या आता है? U। तो लेकिन बच्चा E के बाद जो वोवल आता है वो आता है हमारा I, ना कि O। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? JEIO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा मेरा, B ऑप्शन। एक क्वेश्चन बताइए और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरा पेन लूँ, ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं कराता आपको, नए क्वेश्चन नहीं कराएगा कोई भी, सब पुराने क्वेश्चन करा के तसल्ली से बैठ जाऊंगा, इसे ही सोचेंगे कितना हमने पहाड़ जीत लिया। पहाड़ कोई नहीं जीतता भाई। बताओ 1526 2313 5230 6452। बताओ भाई ऑड वन आउट, बताओ ऑड वन आउट, बताओ बताओ इसमें से अलग क्या होगा? बताओ भाई इनमें से अलग कौन सा होगा? योगेश, आरोही, मनोज, ज्योति, विकास यादव, कार्तिक, मनोज, सुरभि, रंजीत, आदर्श, आकाश, मृदुल, मिस्टर अर्जुन, इंजीनियर मोहित, पुनी जी, मनोज कुमार, योगेश, आरोही। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है कि कौन सा अलग होगा। हाँ जी आकांक्षा राय, क्या समझ में नहीं आया बच्चा? चलो भाई प्रदीप सिंह, हम नलायक, हम तो खुश हैं तुम हमें नलायक बोल रहे हो। मैनेज तो आपने है नहीं। यदि एक टीचर आपको मैंने वो सिखा रही है, यदि एक आपको प्यार से अच्छे से एक टीचर के तौर पर। अच्छा ये बताओ आपने क्या बचपन में नलायक नहीं सुना? कोई टीचर आपको ये नहीं कहते नलायक कहीं के, पढ़ नहीं रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो, दिल पे लग जाती है क्या? अब तुम्हारी क्यों दिल पे लगती है? इतनी बातें हमें तो ये बात समझ में नहीं आती, इतनी दिल पे लेके क्यों बैठते हो? दिल पे लेके बैठोगे तो ऐसे कोई ना होगा भाई। स्नेहा कुशवा को टाइम आउट मत करो भाई। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में बता सकते हो। बताओ भाई, देखो भाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नहीं दे रही, ऑप्शन मैं नहीं दे रही, तो सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग सकता है? बताइए भाई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन बताइए, एक बार दिखा दीजिए टेक्निकल टीम हमें स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ठीक है बताइए भाई, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के। थोड़ी देर बाद आकांक्षा मैं इस क्वेश्चन के आंसर को वो बताऊंगी, ऑप्शन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, कितने क्वेश्चन कर लिए मुझे ये बताइए। हमें टीवी पे दिखाइए, स्क्रीन पे तो रहने दीजिए, टीवी पे दिखाइए। ठीक है, हाँ जी, अब हमें यहाँ पे दिखा दीजिए, हमारा क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को। हाँ जी, अब बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। गूस राइडर, सनी, जयशौर्या, मोहम्मद, प्रमोद, जी के शर्मा, दीपिका। चलो भैया ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। अब ऑप्शन क्या दे भैया, हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन 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 है बच्चा आपके 18, 20, 22, 16। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 18, 20, 22 और 16। फटाफट से आंसर बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 दे रखा है ऑप्शन में। चलो भाई 16 हटाओ भाई, देते हैं ऑप्शन 26। चलो बताओ अब क्वेश्चन का आंसर बताओ, अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब फटाफट से कमेंट करो। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे था भाई? 62 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 36। 6 + 3 कितना आ गया? 3 + 6 9। 9 × 2 में 2 कितना आ गया? 18। आया नहीं आया 18? आया या नहीं आया 18? आया ना, तो सेम बच्चा 4 की पावर 3 कितना आ गया? 64। 6 + 4 कितना है? 10। 10 को इंटू कर दो 2 से, तो कितना आएगा? 20। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा बच्चा। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए भाई 3 HLR 8, 4 TUA 2, 2 FPC is 5, 3 OLH then क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए भाई, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 HLR 8, 4 TUA is 2, 2 FPC is 5, 3 OLS then क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंजलि महादेव, एक बार जरा नेट सही कर जाना बच्चा, नेट खराब हो चुका है इसका थोड़ा सा। और भाई कल की क्लास में हमारा क्या है बच्चा? कल की क्लास में आपका लाइव टेस्ट होगा, तो लाइव टेस्ट को जरूर अटेंड करना, आप लोगों के लिए ही फायदा है इसमें। ठीक है बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए। लाइव क्लास कब चलता है राहुल? ये लाइव क्लास ही चल रहा है, मैं आपकी चैट देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, और आप यदि कोई डाउट भी पूछोगे तो डाउट भी मैं आपको बताऊंगी। इतना लंबा लॉजिक बच्चा, देखो यदि इतना लंबा लॉजिक सीखना है तो भाई जरूर सीखना है। आप नए पुराने क्वेश्चन करते रहो, आप ऐसा करो यही क्वेश्चन करते रहो, इन्हीं क्वेश्चनों में खुश रहो आप, इन्हीं क्वेश्चनों में खुश रहो आप। आपको नया लॉजिक तो सीखना नहीं, इतना लंबा लॉजिक। एक क्वेश्चन आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, देखना स्टार्टिंग के 3rd क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन था वो, अल्टीमेट क्वेश्चन था। ठीक है बताओ भाई इस क्वेश्चन का क्या होगा? एनर्जी बचा के एनर्जी का क्या करेंगे हम? सही है भाई, अभी जाएंगे घर, जाके आराम से खाना पियेंगे, एनर्जी वापस आ जाएगी हमारी, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो भाई एच किस पे आता है हमारा? एच के जे ने कितने आते हैं? 8 पे। एल किस पे आता है हमारा भाई? 12 पे। आर किस पे आता है भाई हमारा? 18 पे। 18 प्लस 8 इज 26, 26 प्लस 12, यदि आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 38, 3 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। तो सेम बच्चा टी यू ए 20, 21 और 1, 21 और 1 22, 22 और 20 42, 42 में कितना आ गया 4, वहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया। तो सेम क्या होगा बच्चा ओ एल एच का होगा 15, 12 और 8, 12 और 8 20, 20 और 15 इस 35। तो बच्चा 3 यहाँ पे आ गया, बच्चा कुचा 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा 5, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। स्टार, मनीष पाल, विक्की कुशवाहा, हेमंत मिश्रा, जो इसका राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा 5, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कैसा भाई लगा क्वेश्चन, ये बताओ भी क्वेश्चन कैसा लगा। अब एक क्वेश्चन मिलेगा बहुत बेहतरीन होगा, दीदी हमारी भी सुन लो। हाँ जी लव श्रीवास्तव जी, सुनाओ भैया, भैया क्या दिक्कत आ गई बताओ भाई, हम तो सुन लेंगे, अरे किसी की सुनते आ रहे तुम्हारी भी सुन लेंगे। बताओ भाई क्या दिक्कत आ गई भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे बताइए क्या आएगा। ऑप्शन है 16, 19, 21 और 23। बताओ भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सनी, SS7, रवि कुमार, दिनेश वर्मा, अंकित राणा, आदित्य सिंह, आदर्श, सुनील, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए 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 फटाफट से। आदित्य सिंह, शोभन मंडल, पुष्पेंद्र, एक्सप्लेन 24/9। बच्चों 24/9 वाला कौन सा था, वो बहुत आसान था। देखो 24 2 प्लस 4 कितना आ गया बच्चा 6, मैं तो भैया तुम मैं क्वेश्चन देखो 24 कितना आ गया 2 प्लस 4 कितना आ गया 6, आया नहीं आया, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 3 प्लस 6 कितना आ गया 9, तो ये 9 ही तो है। तो सेम 1 प्लस 5 कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना आया 36, तो 3 प्लस 6 कितना आया 9। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत चुटकियों में हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन महेंद्र प्रताप, बताइए। देखिए 5 कट गया, डिवाइड करूंगी यदि मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 2, 9 × 2 में 2 कितना आ गया 18, 3 को डिवाइड कर दो 3 से तो कितना आ गया 11 × 2 में 3 कितना आ गया 33, 4 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ गया 8×2 कितना आ गया 16। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हाँ दे लो 9, दे लो, इसका आंसर 9 नहीं आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 16, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा 16 आंसर। आज की क्लास का बेहतरीन और अल्टीमेट क्वेश्चन, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा। लेकिन उससे पहले कमेंट कीजिए, क्या आप तैयार है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। बताओ भाई यदि मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, क्या आप तैयार हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, आसान नहीं होगा क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। कभी सोचो कि अभी मैडम दे रही हैं तो बहुत आसान होगा, आसान नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। तैयार हो ना, दे दूं क्वेश्चन, हैं करोगे ना। बताओ भाई, मैं अभी आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आपको ऑप्शन अभी नहीं मिलेंगे, ऑप्शन जब मिलेंगे जब मुझे यहाँ पे आपके कमेंट देखने को मिल जाएगा। हेमंत मिश्रा, प्रद्युम, आर्ता, बानी 96 रेडी है, बानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनी हुई है, दीपिका बनी हुई है, आर्ता बनी हुई है, लखन अभी आए हैं लखन, तो जीके शर्मा बने हुए, काजल तिवारी भाग गई क्या। बताइए चैलेंज एक्सेप्ट है, बिल्कुल भाई चैलेंज एक्सेप्ट है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए मैम जी नमस्कार, रमेश मीना बहुत दिनों बाद भाई कहाँ थे, बताइए भाई। बताइए भाई 64 तो ऑप्शन में नहीं है, 64 ऑप्शन में ही नहीं है। बताओ भाई 64 ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन ही हमने चेंज कर दिया। तो बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप किसी दिन में से कहोगे मैम तो हमारे साथ थोड़ा सा ना प्ले कर जाती हैं, है ना, रायता फैला देते। मैम हिसाब से 64 होगा। बच्चे यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपका हिसाब हिसाब सब निकल जाएगा इस क्वेश्चन में। चटक बनारसी, अच्छा जी भाई, बताओ भाई। धीरेन्द्र बानी 96, गुड इवनिंग। महेंद्र सिंह, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनटीपीसी बॉय आलोक त्रिपाठी, लोकेश, विक्रम। विक्रम 82 ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन देखो, स्क्वायर है सारे के सारे, कुछ ना कुछ रूल लगेगा। स्क्वायर वाला 64 गायब है। हाँ भाई, कोई ना कोई रूल लगेगा बच्चा हमारा स्क्वायर वाला, लेकिन वो आपको फाइंड करना है स्क्वायर वाला रूल कैसे लगेगा। आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर वाला है। तो बताओ भाई, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। 36 मैम गेम, बच्चे ये गेम ही ले लो आप, इसको गेम लेके ही चलो। ये आपकी जिंदगी का गेम है, ठीक है, गेम है ये जिंदगी का। रायता फैला दिया मैम ने, अरे मैम तो हमेशा रायता ही फैला देती है, ऑप्शन चेंज करके, है ना। एक हमारी क्लास का मिश्रा जी हैं, उन्हें जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जी, रायता फैल गया। अब उसको रायते को समेटने के लिए मैं बैठी हूँ। राहुल यादव, एयरफोर्स की क्लास आपकी डिफेंस अड्डा पे चलती है मॉर्निंग में 12 बजे, ठीक है, जहाँ पे रीजनिंग मैं ही पढ़ाती हूँ। लॉजिक बहुत नहीं मिलता। देखो भाई, क्वेश्चन है 5 की पावर 3 कितना गया, 125 आया नहीं आया, बहुत आसान लॉजिक था। 1 + 2 + 5 कितना आया, 8 में यदि 1 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9। 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। तो 2 की पावर 5 कितना आ गया, 32। 3 + 2 कितना आ गया, 5 में यदि मैं +1 कर दूं तो कितना आया, 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 36 तरह था। तो मुझे ही समेटना है तुम लोगों को, तुम तो फैला दो। 49 ऑप्शन में नहीं था भाई, 49 ऑप्शन में ही नहीं था। ऑप्शन तो देख लो भाई, 16, 36, 81, 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, संजू बाबू, बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरा 36। बताइए भैया, ऑफलाइन कोचिंग नहीं है हमारी, ऑनलाइन कोचिंग ही है। ऑनलाइन अड्डा 24/7 के चैनल पे ही हम आपको जिंदगी भर पढ़ाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो बच्चा जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 36 बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन कैसा लगा। क्वेश्चन बेहतरीन लगा है तो रिपीट करना है, तो बच्चा देखो भाई रिपीट कर देती हूँ। 53 और 81 कितना है बच्चा, 25। देखो यदि मैं कहूँ 5 की पावर 3, 53 को क्या लिख दिया मैंने, 5 की पावर 3, तो कितना आ गया बच्चा, 125। 125 कितना आ गया, 1 + 2 + 5 कितना आ गया, 8 में यदि मुझे 81 लाना, आपको पता है ये 9 का स्क्वायर है, यदि ये 9 का स्क्वायर तो 8 में यदि मैं 1 को प्लस कर दूंगी तो कितना आएगा, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। तो सेम बच्चे 2 की पावर 5 कितना आ गया, 32। यदि मैं कहूँ 32 तो क्या मैं कहूँ 3 + 2 कितना आ गया, 5 में यदि मैं 1 प्लस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ है, तो यदि मैं 5 में 1 प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, 36 बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, जिंदगी का कोई यकीन नहीं भाई, मेरे को खुद अपनी जिंदगी का यकीन नहीं। आज मैं पढ़ा रही हूँ, कल पता चला भाई परमात्मा के पास हूँ, परमात्मा के वहां से आपको नेटवर्क एरिया से, सैटेलाइट से पढ़ा रही हूँ। 34 समझ ना आया 34 कैसे समझ में। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक चैलेंज भरा क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो भाई, चोमू है ये, चोमू का क्या किया जाए ये बताओ भाई। यदि ये चोमू है, आपको पता है ये 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आया, 11। यदि मैं कहूँ 1 + 1 कितना आ गया, 2, आया नहीं आया, 2। ओ किस पे आता है, 15 पे, तो 1 + 5 कितना आ गया, 6। तो 2 और 6 आ गया, 7। एम किस पे आता है, 13 पे, यू किस पे आता है, 21 पे। 13 + 21 कितना आ गया, 34। तो 4 + 3 कितना आ गया, 7। तो चोमू का क्या आ गया, 2, 6, 7। तो सेम मेरा बच्चा आयशा का है, कैसे आएगा, ऐसा आपको पता है 19, ये आपको पता है 1, ये आपको पता है 9। 9 + 1 10, सिंगल डिजिट में चाहिए। सिंगल डिजिट में क्यों चाहिए, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, 2, 6, 7, 3 डिजिट दिख रही है, तो कितना आ गया, 1 + 0 is 1, 1 + 9 इज 10, 1 + 0 is 1, तो 1 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, सी ऑप्शन। टाइम आउट कर दिया अंकित राणा, क्या शैतानी कर रहे थे जो टाइम आउट कर दिया। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या आप करने के लिए तैयार हो। उस क्वेश्चन को आसान होगा, ज्यादा मुश्किल भरा क्वेश्चन नहीं होगा। बताओ भाई, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। जवाब तो आता नहीं है भाई मुंह से, है ना, हम मेरा गला ना बैठ चुका है आप लोगों को बोल के, क्या करने के लिए आप क्वेश्चन तैयार हो, नहीं आता भाई है? आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, लेकिन देखते हैं कि आप कितने आंसर देते हो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके 6, 7, 8, 9। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए मानसी पाल, विकास यादव, मैम बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए। बहुत हार्ड है, इजी है, डजंट मैटर। अच्छा, सपने भी मैडम के क्वेश्चन आते हैं। लखन, सपने भी यदि मेरे क्वेश्चन आते तो इसे सॉल्व करते हो। शंकर, बफरिंग हो रही है थोड़ा। अरे पबजी वालों मत खेलो पबजी, जिंदगी पबजी में नहीं रहेगी। पबजी वाला तुम्हें पैसा नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारी जॉब पैसा देगी, जो तुम कमाओगे गवर्नमेंट जॉब करोगे। समय जो क्लास का टाइम है वो मॉर्निंग में होता है, मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 7 और 9 प्लेलिस्ट कहाँ है बच्चा? प्लेलिस्ट सर्च करने के लिए मैं बता दूंगी आपको, प्लेलिस्ट में लिंक में डलवा दूंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट की टेंशन मत लो। संजीव, हेमंत, सौरास्कर, समीर, कल्याणी साहू, आरोही, आरोही बीच में गायब थी तुम। साक्षी, 35 क्वेश्चन कई बार मैं बता चुकी हूँ। साक्षी बताऊँ अभी, देखो भाई ऑप्शन हटा रही हूँ मैं, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है। देखो भाई 5 + 3 + 9 कितना हुआ? 5 और 3 9, 5 और 3 8, 8 और 9 17। 17 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 289। ऐड कर दो, 2 + 8 + 9 = 19। 6 + 8 + 7 कितना है? 8 से 14, 14 और 7 21। 21 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 4 1 क्या आएगा? 4 + 4 + 1 कितना आ गया? 9। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? 9। बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका 9। दे लो 8, दे लो 8 में कुछ नहीं धरा भाई, 8 आएगा ही नहीं। संदीप पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, विद्यार्थियों पढ़ लो। चोमू किसका नाम है? अविनाश तुम्हें क्या लेना देना, चोमू किसका नाम है? चोमू बस ऐसी किसी को भी बुला लो, अच्छा वर्ड है। चोमू वाले लोग आपको पता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, तो किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? बानी 96 9 बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार स्क्रीन पर कर दीजिए, हमें स्क्रीन पर ला दीजिए, हमें बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा। श्रवण, दीपिका, शिव, मानसी, रुचि कुमारी, तान्या सेठ, सनी, अंकित राणा, क्वेश्चन का बताइए भाई, क्वेश्चन का लेवल आपको आज की क्लास में कैसा लगा? जिसने भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास हमारी देखिए तो फटाफट से अपने हाथ उठा दीजिए। हमने देखिए, हमने देखिए, बताइए भाई क्लास का कैसा लगा, और क्लास में जो क्वेश्चन थे वो क्या आप उड़ा सकते थे? यदि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप अब ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में उड़ा दोगे? आपका टाइम बचेगा या नहीं बचेगा? यदि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई क्वेश्चन का लेवल कैसा था। एक बार टेक्निकल टीम हमें बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा स्क्रीन पर। हाँ जी बताइए भाई लेवल कैसा था? मस्त है, क्वेश्चन बढ़िया थे। यदि बच्चों क्वेश्चन बढ़िया आते तो ऐसी ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारी क्लास में सुबह मॉर्निंग में, मंडे से लेके फ्राइडे तक 9 बजे की क्लास में। आपको ज्वाइन जरूर करना है, जितने भी बच्चे आज की क्लास में थे वो कल जरूर आएंगे, और जितने भी बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें सेशन को, क्योंकि आपके लिए हो रहा है और डिसलाइक करके कुछ नहीं होगा। यदि आप कहीं भी पढ़ते हो ना तो किसी भी हमारे जो फैकल्टी होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी वीडियो को बच्चे डिसलाइक मत किया करो, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको नया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ यदि आप ऑफलाइन में जाते हो आपको पैसे देके मिलती है, इतने बढ़िया लॉजिक आपको पैसे देके मिलते हैं, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिक मिल रहे हैं। तो आपको ये बनता है कि आप सेशन को लाइक कीजिए ना कि डिसलाइक, कमेंट्री मत कीजिए। एक तो कमेंट जो करते हो ना बाद में, अरे मैडम तो ऐसा बोलती है, मैडम ऐसा, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई करोगे तो अच्छा होगा आपका। ठीक है, अभी जब मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी बहुत कमेंट आएंगे, मैम ऐसा बोल, डजंट मैटर। ठीक है, तो कमेंट्री करने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको कमेंट्री करनी है तो देश में जो हो रहा है आजकल उस पर अपनी चर्चा रखिए, अपनी बातें रखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे आके ज्ञान की बातें भी सिखाती हूँ, मैनेज भी सिखाती हूँ, आपको इश्यूज भी बताती हूँ कि सोशल इश्यूज में आप अपनी भागीदारी दिखाइए। ठीक है, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आती है, करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखा करो, करंट अफेयर्स की आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सुबह 6 बजे एसएससी अड्डा पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, 2 घंटे सर लगातार आपको करंट अफेयर्स कराते हैं, देन उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो आपको जरूर क्लास देखनी है, बिना क्लास देखे कुछ नहीं मिलेगा बच्चा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से क्लास में पढ़ा के, और 1.5 घंटे आपने पढ़ाया और 1.5 घंटे आप बने रहे हो, वो भी रीजनिंग की क्लास में। आपने इसमें बहुत कुछ नया सीखा होगा, हमेशा नया सीखने की चाम में रह करो कि आप क्या नया सीख रहे हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखना। मिलेंगे हम आपसे कल की क्लास में सुबह मॉर्निंग में, मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे। चलिए बाय बाय। मेरे प्यारे बच्चों, में पहली बार एसएससी एंड रेलवेज के लिए धांसू मैथ स्पेशल लेके आ रहा हूँ, जो होगा पेड लाइव बैच। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, 200 घंटे की लाइव क्लास और 5000 प्लस क्वेश्चंस। क्या होगा सिलेक्शन का प्लान, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ डाउट क्लासेज, जिसमें आपको प्रोवाइड होंगी ई बुक्स और पीडीएफ। आज ही ज्वाइन करिए मेरा मैथ स्पेशल बैच, यूज करें मेरा प्रोमो कोड Y167 और पाए भारी डिस्काउंट।